आईपीएल 2023 का लीग फेज समाप्त हो गया है। चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, छह टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन बाहर होने वाली इन टीमों में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल 16 सीजन की बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। इनमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। आप यहां जान लीजिए कि प्लेइंग 11 में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2023 के लीग फेज तक की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी की, तो ये यशस्वी जायसवाल और फाफ डु प्लेसी के रूप में होगी। ये दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे हैं। जायसवाल ने इस सीजन में 14 मैचों में 625 रन बनाए हैं, वहीं फाफ ने इतने ही मैचों में 730 रन बनाए हैं। ओपनर के तौर पर दो और नाम है जो इस साल दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। इनमें से एक है शुभमन गिल और दूसरे हैं विराट कोहली। शुभमन गिल को हम इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखेंगे क्योंकि वे इस सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ज्यादा मैदान पर दिखे हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए ओपनिंग करते हुए अब तक 2 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 680 रन बनाए हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली को रखा है, जिन्होंने भले ही ओपनिंग की हो लेकिन वे नंबर 3 के लिए जाने जाते हैं। विराट 14 मैचों में 639 रन बनाए हैं। बेस्ट 11 में नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई हैं, जिन्होंने कि मुंबई इंडियंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। सूर्या ने इस सीजन में 14 मैचों में 511 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 185 से ज्यादा का रहा है। वहीं नंबर 5 पर केकेआर के रिंकू सिंह है, जो केकेआर के इस सीजन के टॉप स्कोरर भी हैं। उन्होंने 14 मैचों में 474 रन बनाए हैं। उनके लगातार 5 छक्के सभी को याद होंगे जो उन्होंने यश दयाल के खिलाफ जड़े थे। वे इस सीजन मिडिल ऑर्डर में बेस्ट रहे हैं। विकेट कीपर के तौर पर इस टीम का हिस्सा हेनरिक क्लासेन है, जो 11 पारियों में 448 रन बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं और एसआरएच के मध्यक्रम को संभालने का काम किया है। ऑलराउंडर के तौर पर इस सीजन सीएसके के रविंद्र जडेजा और गुजरात टाइटन्स के रशीद खान टॉप पर हैं। जडेजा ने 10 पारियों में 153 रन बनाए हैं और बतौर गेंदबाज 17 विकेट उन्होंने निकाले। रशीद ने 14 मैचों में 24 विकेट निकाले हैं और 6 पारियों में 95 रन बनाए हैं। गेंदबाजों की बात करें तो इस टीम में गुजरात टाइटन्स की ओर से मोहम्मद शमी, आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज और सीएसके की ओर से मथिसा पथिराना होंगे। शमी इस सीजन में पर्पल कैप होल्डर भी हैं, जो 24 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं सिराज ने हर फेज पर दमदार गेंदबाजी करते हुए 14 मैचों में 19 विकेट निकाले हैं। उनका इकॉनमी रेट 20 से कम कर रहा है, जबकि सीएसके के मथिसा पथिराना 15 विकेट 10 मैचों में चटका चुके हैं। वे डेथ ओवर्स के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे हैं।